अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपकी फरमाइश पर गुलाब जामुन की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। ज़रूर मेरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरी देखें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। ये रेडीमेड पैकेट से बनी हुई गुलाब जामुन नहीं है जो बाज़ार में मिलती हैं MTR की, ये वो नहीं है। ये घर की बनी हुई खोए के गुलाब जामुन है। मैं इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ 1.25 किलो खोया लिया है, दूध से बना हुआ खोया, और मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, बारीक सूजी, और आधे से थोड़ा कप दूध, और 2 पिंच मैंने यहाँ मीठा सोडा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम चाशनी को तैयार करेंगे। चाशनी को इस पतीले में हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी से थोड़ा सा कम शुगर लिया है, मैं इस पानी में ऐड करूंगी। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार इस तरह की नहीं चाहिए। शुगर डिजॉल्व होकर थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाए और मिठास छोड़े, आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं और रोज वाटर भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। अगर आपको चाशनी थोड़ी फीकी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा शुगर और ऐड कर सकते हैं। जब तक चाशनी रेडी हो रही है, हम यहाँ जामुन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 एम्प्टी बाउल में सोजी ऐड की है। ये सोजी को मैं थोड़ी देर दूध में भिगाऊंगी। मैंने यहाँ 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया था, इस दूध में मैं इस सोजी को भिगाऊंगी। सोजी थोड़ी नरम हो जाए। सोजी नरम होने के बाद ही इसको मैं कैसे मिक्स करते हैं बताऊंगी। इस तरह से दूध में सोजी को हम भीगने थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि सोजी फूल जाए, नरम हो जाए। इसको कैसे हम जामुन में ऐड करेंगे मैं दिखाती हूँ। वीडियो में मेरी पूरी बने रहें, प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी आने वाली और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, और इसे शेयर ज़रूर करें। शीरे को और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स कैसे शीरा पक रहा है, इसको और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। शीरा बनने के बाद मिलती हूँ मैं कि जामुन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। मैंने यहाँ मीठा सोडा और मैदा ऐड किया था। इसमें मैंने जो सोजी भिगो कर रखी थी वो थोड़ी नरम हो गई है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा इस बैटर में ऐड करके मिक्स करूँगी। तरह से ये डो के फॉर्म में आप कर लें।
देखिए फ्रेंड्स ये कैसे डो बन गया है। बस हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इस डो को थोड़ा सा हम रेस्ट के लिए रख देंगे एक 10-15 मिनट के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ चाशनी भी थोड़ी रेड्यूस हो गई है फ्रेंड्स, इसको और एक 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये जो हमारा डो हमने रेस्ट के लिए रखा था, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा फूल गया है। इसको आप प्रेस करें कैसे मुलायम हो गया है। यही कंसिस्टेंसी हमें जामुन के लिए चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसको राउंड शेप में करूं तो इस तरह से ये बॉल बनना चाहिए। इस डो को बॉल शेप में करेंगे, इस तरह से जामुन को राउंड शेप में ले आएंगे। जामुन को आप राउंड शेप दे रहे हो तो उनमें ऐसी दरारें या क्रैक नहीं आने दे, इसे प्रॉपर शेप में राउंड करें। इस तरह से क्रैक्स नहीं आना चाहिए, अगर आ रहे हैं तो फिर से इसे राउंड अप करें, नहीं तो तेल में जब हम इसको फ्राई करते हैं ये क्रैक फूट जाते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉपर स्मूथ राउंड करें। अब यहाँ मेरी चाशनी रेडी हो गई है, मैं इसको स्विच ऑफ कर दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ कुछ जामुन को राउंड कर लिया है, अब मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी कैसे होते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, आंच को बिल्कुल धीमा रखें, ज़्यादा हीट पर जामुन नहीं तले, क्योंकि जामुन ज़्यादा हीट पर तलने से वो बाहर से सिर्फ कलर ही आएगा, अंदर वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए आप धीमी आंच पर धीरे धीरे इनको ब्राउन कलर में तब्दील करें। हीट को लो फ्लेम पर रखकर मैं यहाँ बिस्मिल्लाह ज़्यादा तेल में ना थोड़े थोड़े डालें, पूरे डालने से एक चिपक जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 जामुन को धीमे धीमे फ्राई करें, धीमे धीमे आंच को पूरी तरह से धीमा कर दें, बस धीरे धीरे इसी तरह से फ्राई करें। देख रहे हैं फ्रेंड्स धीमे धीमे आंच पूरी तरह से स्लो रख के इसको हम धीमे धीमे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा ना छेड़ें, ज़्यादा ना हिलाएं। आप इसको ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, ज़रूर बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। इस तरह से धीरे 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 और थोड़ा हम ब्राउन करेंगे। मैं इसको चाशनी में डालकर भी दिखाऊंगी और इसको कच्चा फ्राई जो हो रहा है उसको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर कितनी देर तक ये पक गया है और शीरे में जाने के बाद ये कैसे बना है। माशाल्लाह खुशबू फ्रेंड्स बहुत खुशबू फैली है। अभी गांव बसा नहीं, लुटेरे आएंगे, मेरे बच्चे कहेंगे मम्मा गुलाब जामुन खुशबू आ रही है। मेरे घर में सभी को पसंद है, जब भी मैं बनाती हूँ इसको खाने के लिए आ जाते हैं सभी, मम्मा खुशबू आ रही है जामुन बना रही।
देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ये ब्राउन हो गए हैं। इसको मैं अब निकालूंगी। गर्मा गर्म चाशनी में नहीं डाले फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं डाले। इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं नेक्स्ट बैच ऐड करूंगी। एकदम से गर्मा गर्म जामुन को शीरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जामुन नरम होते हैं, शीरा भी गुनगुना होता है। तो शीरे को थोड़ा सा ठंडा कर ले, ताकि हम एक उंगली डिप कर सके। उतना ठंडा करने के बाद में जामुन ऐड करें। कैसे ऐड करें मैं वो भी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तलने के बाद अंदर ये कैसे पका है मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। वाह, देखिए पूरी तरह से अंदर जामुन बन गया है। बस इसको शीरे में डाल, कहीं भी कच्चापन नहीं है। इस तरह से मैंने सारे जामुन तल कर रेडी कर लिए हैं और ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। चाशनी को ज़्यादा गर्म ना रखें, बस हम थोड़ी सी गुनगुना चाशनी रखें। अब इन तमाम जामुनों को मैं इस चाशनी में ऐड करूंगी। माशाल्लाह फ्रेंड्स, देखिए ये शीरे में जाते ही कैसे अच्छे लग रहे हैं, कैसे खुश लग रहे हैं गुलाब जामुन। इसको मैं एक आधा घंटा ऐसे शीरे में ढक कर रख दूंगी, फिर मिलूंगी मैं ये कैसे लगते हैं बाद में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। मैं इन्हें तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाब जामुन बनकर रेडी है। इसको आप ज़रूर बनाएं, घर में सबको बनाकर खिलाएं। दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी मैं मेरी अगली वीडियो में। कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, जब आप जामुन प्रिपेयर कर दें ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मेरी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।